हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृति एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जलवायु वर्गीकरण का नेक्स्ट वर्गीकरण पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने कोपेन का वर्गीकरण पढ़ा था, आज इस वीडियो में हम थॉर्नवेट का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, सीटी एग्जाम के मॉडल टेस्ट पेपर विस्तृति एजुकेशन की वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो वेबसाइट पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं। विस्तृति.com गूगल पर सर्च कीजिएगा। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे इस वीडियो में हम। थॉर्नवेट ने आर्द्रता प्रभावशीलता के आधार पर विश्व को 5 जलवायु वर्गीकरण में विभाजित किया था। 5 जलवायु प्रदेशों में कैसे कैसे विभाजित किया था वो देखते हैं। सबसे पहले तो थॉर्नवेट ने विभाजित करने से पहले हम देख लेते हैं कि थॉर्नवेट ने सबसे पहले जलवायु को दो भागों में बाटा, यानी कि दो आधार माने थे कि जलवायु किसी भी स्थान विशेष की जलवायु को कैसे पता चलाया जा सकता है। एक तो वहां का तापमान हमें पता होना चाहिए और दूसरा क्या पता होना चाहिए हमें, वर्षा। एक तो वर्षा के आधार पर और एक तापमान के आधार पर किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु का पता लगाया जा सकता है। तो पहले सबसे पहले तो इन्होंने 5 जलवायु प्रदेशों को किस आधार पर बांटा, आर्द्रता के आधार पर, यानी कि वर्षा के आधार पर बांटा। तो सबसे पहले इन्होंने 5 अंग्रेजी के वही अक्षर दिए हैं, ABCDE। एक इसको दर्शाता है अधिकतर, यानी कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, अधिक वर्षा करने वाले वन जो क्षेत्र होता है, सवाना वन, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन पर, जो जहां पर वर्ष भर वर्षा होती है, 320 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा जहां पर होती है, उस क्षेत्र के लिए उन्होंने ए का प्रयोग किया। फिर बी का प्रयोग किसके लिए किया था, आर्द्र वन के लिए किया था, आर्द्र जलवायु, आर्द्र क्षेत्र, यानी कि 160 से 318 सेंटीमीटर के बीच वर्षा। फिर उसके बाद सी का प्रयोग कहाँ पर, कम आर्द्र वाले क्षेत्र के लिए जहां पर घास के जंगल होते हैं, 80 से 157 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पर। डी किसका प्रयोग, डी किसके लिए प्रयोग में लिया था, अर्ध शुष्क क्षेत्र, जैसे कि हमारा अरावली का पश्चिमी क्षेत्र जहां पर 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, स्टेपी जंगल यहाँ पर 40 से 78। यहाँ पर वर्षा का जो सेंटीमीटर है ये अलग हो सकता है, हमें थोड़ा बहुत बस अधिकतर वाला का याद रखना है कि ये 320 से अधिक होती है। और शुष्क वाले क्षेत्र कौन सा आएगा, ई का प्रयोग किया है, और ये मरुस्थली क्षेत्र जहाँ पर 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, हमारा जो मरुस्थली क्षेत्र है अरावली का पश्चिमी भाग, उस क्षेत्र में के लिए कौन सा सिंबल काम में लिया जाएगा, ई। तो ये तो हो गए हमारे कौन से, वर्षा के आधार पर जो वर्गीकरण किया है किसने, थॉर्नवेट ने। उस आधार पर थॉर्नवेट ने ABCDE का प्रयोग किया है, ए अधिकतर, फिर उससे कम मतलब आर्द्र, फिर उससे कम कम आर्द्र, फिर अर्ध शुष्क और फिर शुष्क। तो ये पूरा रहेगा सीरीज। फिर आगे जो वर्गीकरण किया है थॉर्नवेट ने किस आधार पर किया है, तापीय दक्षता के आधार पर, यानी कि टेम्परेचर के आधार पर, थर्मल एफिशिएंसी के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है। अभी हमने देखा था कि किसी क्षेत्र विशेष की वर्षा के आधार पर जलवायु को डिफाइन किया जा सकता है, और दूसरा तापमान के आधार पर। जलवायु वर्गीकरण में तापीय दक्षता का विशेष महत्व होता है। तापीय दक्षता ज्ञात करने के लिए औसत मासिक तापमान को मासिक वाष्पीकरण से विभाजित किया जाता है। तापीय दक्षता का सूत्र टी या ई, टी मीन्स टेम्परेचर एफिशिएंसी, टीई का मतलब ये हो गया, और सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस सूत्र को हल करने का सूत्र क्या है, तो तापीय दक्षता का अनुपात बराबर S-32/4। ये सूत्र अधिकतर वैसे आता नहीं है, अगर आप याद करना चाहते हो तो याद कर सकते हैं। इसी तरह से एक था वर्षण ताप दक्षता, वर्षण दक्षता, वर्षा के आधार पर जो जलवायु निकालेंगे उस आधार पर। वैसे ये फॉर्मूले पूछे नहीं जाते, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ओनली फॉर नॉलेज के लिए हम इसको पढ़ सकते हैं। 11.5 × R/T मीन्स टेम्परेचर 10^5। यहाँ आर मीन्स उस क्षेत्र की एक वर्ष की औसत वर्षा, बट्टा टी मतलब उस क्षेत्र की, जिस क्षेत्र का हमें जलवायु निकालनी है, उस क्षेत्र का एक वर्ष का औसत तापमान। ये टी और आर का मतलब ये हो गया, और ये उसका पूरा फॉर्मूला। ये इक्वल्स टू नहीं है यहाँ पर, ये किसका फॉर्मूला हो गया, वर्षण दक्षता, इसको हम टी ई से दर्शाते हैं, और टी ई मतलब थर्मल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, S-32/4। ये अगर आपको थोड़े टफ लगते हैं, याद नहीं हो तो भी चलेगा। अब तापीय आधार पर थॉर्नवेट ने
फिर से वही अंग्रेजी के 5-6 अक्षरों का प्रयोग किया है, कौन कौन से? अब जो अंग्रेजी के अक्षर ए बी सी डी ई का प्रयोग तो इन्होंने किया था वर्षण वाले क्षेत्र, वर्षा वर्षा के आधार पर जलवायु के वर्गीकरण में, लेकिन तापमान के आधार पर वर्गीकरण में इन्होंने ए के आगे डैश और लगा दिया। तो ए डैश का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहां पर 320 से अधिक। फिर बी डैश का मतलब है मध्य तापीय क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं मीसोथर्मल। फिर सी डैश का मतलब है न्यून तापमान, माइक्रोथर्मल। डी डैश मतलब टेगा, जहां पर टेगा वनस्पति है। ई डैश मतलब टुंड्रा, और एफ डैश मतलब हिमाच्छादित क्षेत्र, जहां पर पूरी बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र। तो ये इस तरह से इन्होंने प्रयोग में लिया। तो टेगा, टुंड्रा, हिमाच्छादित, ये तो होंगे नहीं हमारे राजस्थान में, यानी कि डी डैश, ई डैश, ई एफ डैश तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब उष्ण कटिबंधीय तापमान है राजस्थान में, और थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ उत्तरी अक्षांश की तरफ हम जैसे जैसे जाएंगे राजस्थान के मैप में, तो वहां पर आ जाएगा मध्य तापमान तापीय क्षेत्र, मीसोथर्मल। सी डैश न्यून तापमान भी नहीं है राजस्थान में। तो हमारे प्रयोग कौन कौन से आएंगे? ए डैश और बी डैश। तो मैप में देखना है ए डैश बी डैश कहाँ पर आएगा, तापीय आधार पर और वर्षा के आधार पर। हम आगे देखते हैं, और कौन कौन से अक्षरों का प्रयोग किया है? तो इसके अतिरिक्त तो अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग किया है थॉर्नवेट ने। आर का मतलब होता है साल भर अधिक वर्षा जहां पर होती है। एस मतलब वही ग्रीष्म ऋतु कैसी रहेगी, वर्षा की कमी, यानी कि शुष्क रहेगी ग्रीष्म ऋतु, ड्राई समर, और ड्राई विंटर यानी कि शीत ऋतु में वर्षा की कमी, जहां पर शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है जैसे कि राजस्थान में। तो वहां पर क्या आएगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू डैश का मतलब क्या होगा, वसंत ऋतु में वर्षा की कमी, और डी मतलब सभी महीनों में वर्षा की कमी, बिल्कुल ड्राई क्षेत्र जो होगा उसके लिए डी। अब यहाँ पर राजस्थान के कौन कौन से जिले थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर आते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्षेत्र है वो पूरा किसमें आता है, ई ए डैश डी में। ई का मतलब क्या होगा, ई का मतलब होगा शुष्क क्षेत्र, ई का मतलब हमने पढ़ा है अभी शुष्क क्षेत्र। ए डैश का मतलब क्या होगा, मेगा थर्मल, और डी का मतलब क्या होगा, ड्राई, वर्ष भर वर्षा किसी भी महीने में नहीं होती है। यानी कि ये पूरा जो क्षेत्र आ जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई क्षेत्र जो है, शुष्क उष्ण शुष्क जलवायु क्षेत्र। फिर अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र में कौन कौन से आ जाएंगे, ये जो उत्तरी जिले हैं कौन कौन से, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू का थोड़ा सा भाग, ये सब किस में आ जाएंगे, अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र में, डी बी डैश डब्ल्यू में। फिर ये जो बीच का पूरा एरिया है बड़ा वाला, पूरा बड़ा एरिया किस में आ जाएगा, उष्ण आर्द्र जलवायु में, क्योंकि ये अरावली के जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर अच्छी खासी वर्षा होती है, तो उष्ण आर्द्र जलवायु में। और डब्ल्यू का मतलब हमें पता ही है हर जगह पर, यानी कि विंटर में वर्षा नहीं होती है। सी ए डैश डब्ल्यू, सी ए डैश डब्ल्यू, ये वाला पूरा जो क्षेत्र आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, उप आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र। अब हमें मैप में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि किस क्षेत्र में कौन कौन से सिंबल उसमें लिए गए हैं, किसने, थॉर्नवेट द्वारा। तो एक खाली मैप में हम भर के देखते हैं, सिर्फ इसी से क्वेश्चन आते हैं अधिकतर। ये कोई नहीं पूछता है कि ई का मतलब क्या होगा, या फिर अगर बहुत ज्यादा लेवल का क्वेश्चन पेपर होगा तो भले ही आ सकता है कि ई का मतलब क्या होगा, ए डैश का मतलब क्या होगा। वैसे यही पूछा जाता है कि मैप में, जैसे पूछ रहा था कि जैसलमेर क्षेत्र जलवायु वर्गीकरण कीजिए जैसलमेर क्षेत्र का थॉर्नवेट के अनुसार, थॉर्नवेट के अनुसार जैसलमेर क्षेत्र कौन से वाले में आ रहा है, ई ए डैश डी में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे थॉर्नवेट का वर्गीकरण और यहाँ पर हम देखेंगे कोपेन का, ताकि दोनों का कंपेयर कर सकेंगे। ये जो पूरा एरिया है थॉर्नवेट का, ये किसमें आ रहा है, ई ए डैश डी में। बाकी जो ये उत्तरी क्षेत्र है वो किसमें आ रहा है थॉर्नवेट के अनुसार, इसके लिए कौन सा अक्षरों का प्रयोग किया है, डी बी डैश डब्ल्यू, ड्राई विंटर। और ये जो बड़ा सा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र हटा देते हैं, और ये जो पूरा बड़ा क्षेत्र है वो किसमें आ रहा है, डी ए डैश डब्ल्यू में, और ये क्षेत्र किसमें आ रहा है, सी ए डैश डब्ल्यू में। तो बी ए डैश ए डैश ए डैश सब जगह ए डैश आ रहा है, सिर्फ एक जगह आ रहा है उत्तरी क्षेत्र में बी डैश, बाकी डी यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर भी है, और यहाँ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। हमें वैसे इसमें ही कंफ्यूजन होता है कि ए डैश ऊपर होगा या बी डैश ऊपर होगा, तो ए हमेशा पहले आता है, लेकिन यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा थॉर्नवेट वाले में। अब हम कोपेन का वर्गीकरण देखते हैं, तो कोपेन के वर्गीकरण में, कोपेन का वर्गीकरण इजी था,
ये हमारा अरावली, अरावली के इधर दो भाग में बांट देते हम इसको, ये हमारा क्षेत्र हो जाएगा BW HW, और ये अरावली का जो पश्चिमी बचा हुआ जो क्षेत्र है शुष्क मरुस्थल से अरावली के बीच का अर्ध शुष्क क्षेत्र यानी कि स्टेपी तुल्य जलवायु BSHW, ये नीचे वाला पूरा एरिया क्या आ जाएगा AW, और ये मैदानी क्षेत्र हो जाएगा पूरा किसमें काउंट हो जाएगा CW जी, गंगा तुल्य मैदानी क्षेत्र। तो ये हो गया हमारा कौन सा कोपेन का वर्गीकरण, कॉन्वेट का वर्गीकरण और कोपेन का वर्गीकरण क्वेश्चन इसी में से आता है। मैप को अच्छे से याद रखिएगा कि ये वाला क्षेत्र के लिए कौन सा प्रयोग में लिया है थॉर्नबेट ने, EA-D, फिर ऊपर चलेंगे तो BAA, तो D-W, DA-W और CA-W। इधर कोपेन की बात करें तो BWSW पूरा शुष्क मरुस्थली क्षेत्र, अर्ध शुष्क में आते आते इस भी तुल्य जलवायु हो जाएगी इसलिए W की जगह क्या हो जाएगा S, तो BSHW। गंगा तुल्य मैदान इसलिए G का प्रयोग किया गया तो CWG, और AW किसमें दक्षिणी क्षेत्र और हाड़ौती का क्षेत्र। तो ये था हमारा जलवायु वाला टॉपिक कंप्लीट, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जलवायु से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे का वीडियो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, थोड़ा टफ था थॉर्नबेट का, कोपेन से भी ज्यादा टफ था, लेकिन क्वेश्चन थॉर्नबेट से कम ही आते हैं, कोपेन से ज्यादा आते हैं, और थॉर्नबेट से अगर क्वेश्चन आता भी है तो इजी क्वेश्चन आता है। मैप को हम अगर थोड़ा बहुत अच्छे से याद रख लें ऊपर ऊपर से तो भी हम क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जलवायु के से रिलेटेड क्वेश्चन के साथ।